नमस्कार। जब काम में बोरियत महसूस होने लगे, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जब आप कोई जॉब कर रहे हो या जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जब आपको उस कार्य में बोरिंग फीलिंग महसूस हो, बोरियत फीलिंग महसूस हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? पता है आपको, अधिकतर लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं? नंबर वन, पैसा कम मिलने के कारण। सेकंड, जॉब से परेशान होकर। वो थर्ड नंबर पर है बोरियत होने के कारण। जॉब से बोरियत होने के कारण भी लोग जॉब छोड़ते। ये एक नेशनल सर्वे आया था जॉब का कि लोग जॉब किस कारण से छोड़ते, तो थर्ड नंबर पर ये बोरियत का रीजन रहा था। जब आपको भी किसी भी वर्क में अगर बोरियत फील हो तो क्या करना चाहिए? और पता है आपको, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आपको बोरियत फील हो रही है ना, तो आपका डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। जब आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो उस काम सही तरीके से आपका नहीं हो पाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप स्टॉप हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो उस काम में बोरियत फील हो रही है। और होता है, अधिकतर लोगों को होता है, जब डेली रूटीन का वर्क होता है तो उनको बोरियत फील होने लगती है। अरे यार, क्या यार, डेली रूटीन का वो कवई जॉब, उसे क्या, इंसान धीरे 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 माइंड बोरियत टाइप होता है और उसे काम करने की इच्छा नहीं होती। तो अगर आपको भी किसी भी वर्क में, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में बोरियत फील हो रही है, तो क्या करना चाहिए? सबसे नंबर वन, अगर आपको बोरियत फील हो तो वजह पता करें, ढूंढे कि आखिर किस कारण से मुझे बोरियत फील हो रही है, क्या रीजन है? क्या आपको एक ही जगह कार्य करने से बोरियत फील आ रही है, या फिर आपको अपने बॉस के साथ में कार्य करने से बोरियत फीलिंग हो रही है, या आपको अपने बिजनेस से बोरियत फीलिंग हो रही है? क्या कारण है बोरियत फीलिंग का? सबसे पहले तो वो रीजन आपको ढूंढना होगा, और उस रीजन को ढूंढकर आपको पता लगाना होगा कि आखिर किस कारण से मेरे को बोरियत फीलिंग हो रही है, और उस बोरियत को आपको दूर करना होगा। अगर आपने दूर नहीं किया, तो समझ लेना कि आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। सेकंड, जिस काम को आप कर रहे हो और उसमें बोरियत फील हो रही है, रेगुलर आप वही कार्य कर रहे हो और उसमें बोरियत फील हो रही है, तो उसे करने का नया तरीका ढूंढे, कुछ क्रिएटिविटी लाए, कुछ आप डिफरेंट तरीके से कार्य। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, वहीं डेली रूटीन का वर्क है, ऑफिस में कुछ ऐसा हंसी माहौल का माहौल बनाए, एक ऐसा एनर्जेटिक माहौल बनाए, आप घर से निकलो तो आपको ऐसी मतलब एक्साइटमेंट हो के, और नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मतलब घर से उत्साह करके आप निकलो। यूं नहीं घर से, हाँ यार ऑफिस जा रहे हैं, टिफिन ले लिया और कंधे पर बस जा रहे हैं यार, बस जा रहे हैं काम करना, ऐसा नहीं। जब आप घर से निकलो, अगर घर में, अगर घर से निकलने से पहले अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, किसी वर्क के प्रति जोश नहीं है, जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है, उस काम के प्रति बोरियत है, तो वो काम आपका सक्सेस नहीं होगा, उस काम में आप 100% नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से बोरियत फील कर रहे हो। तो जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर उसमें आपको बोरियत फील हो रही है, तो उसे कुछ नए तरीके से करें, उसमें कुछ नया ट्विस्ट लाए, उसमें नई कुछ क्रिएटिविटी जोड़े, उसमें कुछ लॉजिक लगाए, हर कार्य में कुछ न कुछ नया करता रहे। अगर आप उस जो कार्य कर रहे हो उसे पुराने तरीके से करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको बोरियत फील होगी, क्योंकि रोज एंड रोज वही कार्य करना, नया क्या है? कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी लाइफ में बोरियत दूर होगी, तभी आपके लाइफ में उत्साह आएगा, तभी आपके लाइफ में जुनून पैदा होगा कुछ नया करोगे तो, वरना वही पुराना डर्रा चल रहा है तो बोरियत तो आएगी। थर्ड, अपने काम में मीनिंग ढूंढे। आपका काम है तो उस काम में आपका उद्देश्य ढूंढे कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है। आप नौकरी कर रहे हो, हाँ जा रहे हो, 8 घंटे काम करना है बस, कर्ण जो हो रहा कंपनी होगा, अपन घर पे आए रेस्ट, तो मीनिंग क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है किसी काम में? अगर आपके वर्क में आपका उद्देश्य नहीं है, आपका मीनिंग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली काम में बोरियत फील होगी। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, बिजनेस का कर रहे हो या जॉब का कर रहे हो, उसमें अपना मीनिंग ढूंढे, अपना उद्देश्य ढूंढे खुद का, कि यार मुझे वो कार्य करना है,
मुझे बिजनेस में वो मुकाम हासिल करना है, मुझे अपने जॉब में टॉप पर पहुंचना है सभी इंप्लॉय में से, मुझे साल का सबसे हाईएस्ट टारगेट अचीव करना है। तो कुछ न कुछ तो एम होना चाहिए, कुछ न कुछ तो उद्देश्य आपके पास होना चाहिए। वरना अगर आपके वर्क में कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आपको तो बोरियत आएगी, आपको काम में बोरियत आएगी, आप बोरियत दूर नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप घर से निकलो तो एक उत्साह, उमंग और अपना लक्ष्य लेके निकलो, चाहे वर्क में हो, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो घर से निकलो कि आज मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो करना है। लक्ष्य तो आपको लेके चलना होगा, बिना लक्ष्य के अगर आप चले, चाहे जॉब में या बिजनेस में या समाज में किसी भी फील्ड में, और डेली रूटीन का वो वर्क कर रहे हो तो बोरियत आएगी। इसलिए तीन पॉइंट ध्यान रखना, आपकी बोरियत दूर हो जाएगी।